अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं गाइस। आज मैं आपके साथ आलू टमाटर की सब्ज़ी की रेसिपी शेयर करूंगी, जो बहुत इजी है बनाने में, आप देखिएगा। तो ये मैंने बॉईल कर लिए थे आलू, थोड़े से ही आलू थे, ये मैंने बॉईल कर लिए थे, चार पांच आलू हैं। और ये जिंजर गार्लिक का पेस्ट है, दो चम्मच, बड़े दो चम्मच हैं। और ये सूखे स्पाइसेस हैं, तीन टमाटो हैं, और ये गरम मसाला है पिसा हुआ, गार्निशिंग के लिए लास्ट में डालूंगी मैं इसे गरम मसाले को। और ये कोरिएंडर है कट किया हुआ ग्रीन फ्रेश, और चिली ग्रीन चिली है, और पिसी हुई प्याज का पेस्ट है। तीन तीन मीडियम साइज़ की प्याज थी, छोटे साइज़ की थी प्याज वो थी। अब इन मसालों में है एक चम्मच रेड चिली पाउडर, एक चम्मच नमक, एक चम्मच अमचूर पाउडर, मैंगो पाउडर, ड्राई मैंगो पाउडर, आधा टीस्पून के से भी कम है हल्दी पाउडर, ये सब चीज़ें हैं इसके अंदर, और चाट मसाला एक टीस्पून। अब हम इसको ऑयल डाल देंगे, दो बड़े चम्मच जो होता है वो डाल देंगे, आप अपने हिसाब से देख लें कितना ऑयल खाते हैं आप। तो आलू पूरी वाली सब्ज़ी पूरी के साथ भी खाएंगे आप तो भी अच्छी लगेगी ये। तो आप इसमें ऑयल डाल के, जब ऑयल गर्म हो जाए हल्का सा, तो इसके अंदर आप ज़ीरा ऐड कर दें, छोटी सी चम्मच है ये ज़ीरे की, टीस्पून बोल दो या उससे भी कम वो है। अब ये पिसी हुई प्याज जो थी, तीन छोटी छोटी प्याज थी पिसी हुई है, वो मैंने इसमें ऐड कर दी है। इसको चला देंगे अच्छे से, सभी चीज़ें साथ साथ ऐड करते जाएंगे ताकि सब चीज़ें एक साथ ही हो जाएं। अब ये दो चम्मच जो था जिंजर गार्लिक का पेस्ट, ये भी इसके अंदर ऐड कर दूँगी, और इसको भी साथ साथ हिलाते जाएंगे, चलाते जाएंगे स्पैचुला की हेल्प से। अब वो जो मैंने टमाटोज इसका जो पानी है ना, ये भी इसमें डाल दिया था मैंने, और इसके बाद टमाटो ऐड करूँगी मैं। ये मैंने टमाटो डाल दिए हैं, तीन टमाटो थे, बड़े बड़े साइज़ के थे ये टमाटो तीन, क्योंकि टमाटो से खट्टी खट्टी अच्छी लगती है सब्ज़ी। आप अमचूर और चाट मसाला, और हो सके तो ज़ीरा, भुना हुआ ज़ीरा मसाला भी ऐड कर देंगे तो अच्छा रहेगा, मैंने ज़ीरा भुना हुआ नहीं लिया था तो। और ये सारे सूखे स्पाइसेस इसके अंदर डाल दिए थे, अमचूर पाउडर, चाट मसाला, नमक, हल्दी, मिर्च, धनिया, आप जितना खाना चाहें आप देख लें अपने हिसाब से। मैं तो जिस हिसाब से बनाती हूँ बहुत अच्छे बनते हैं। और ये आप किसी चम्मच से या हाथ से क्रश कर लें, मैंने इससे क्रश किए थे ये, बस एक एक हाथ मार दें क्योंकि बॉईल हुए में ये हम कट नहीं करेंगे इनको, क्योंकि कट करने से अच्छा सा ग्रेवी में गाढ़ापन नहीं आता, इस तरह से बहुत अच्छी हो जाती है ग्रेवी। ये देखें इस तरह से टुकड़े हो गए इनके, आप ज़रूर ट्राई करना इसको, सिंपल सी रेसिपी है जो घर में भी डेली खा सकते हैं, पराठों से, अचार के साथ और सब्ज़ी के साथ। ये देखें टमाटर को हम क्रश करते जाएंगे, चाहे तो आप टमाटर की पिरुई भी ले सकते हैं, बट इस सब्ज़ी में जो टमाटर दिखते हैं ना वो अच्छे लगते हैं, इस वजह से मैंने कट करके इसको ऐड किया था इसके अंदर। जब अच्छे से मसाला भून जाए, महक नहीं आनी चाहिए मसाले की, बहुत अच्छे से मसाला आपको भूनना है, इसका ऑयल जब तक ऊपर सारा दिखाई ना दे। आप चाहें तो अगर आपको ऑयल ज़्यादा लगे तो आप इसको निकाल, इस स्टेज पे आप निकाल सकते हैं ऑयल, क्योंकि ऊपर आ चुका है सारा ऑयल। मैंने इसको इसमें ऑयल को इसी में ही छोड़ दिया था और मिक्स कर दिया था, आप देख लें आपको जैसा अच्छा लगे आप वैसे करें, आप अपनी मर्ज़ी के मालिक हैं। तो अच्छा इसे अच्छे से भूनना है, भूनते भूनते देखते रहना कि ये जले नहीं लगे नहीं, तो आप इसको अच्छे से चलाते हुए स्लो फ्लेम पे ढक के या किसी भी तरह से आप इसको चलाते रहें। मेरा हल्का सा नीचे से टच होने लगा था तो मैंने फिर भी इसको स्लो फ्लेम पे पानी डाल के और भूनने लगा था, क्योंकि जिंजर गार्लिक और प्याज की जो कच्ची स्मेल होती है वो ना आए। अभी ये मसाला जो भून गया है तो मैंने इसमें एक से डेढ़ ग्लास पानी डाल दिया था, आपको जितना पतला या गाढ़ा रखना आप उस हिसाब से देखें, पानी जितना ना मैंने रखा था उस हिसाब से सही था बिल्कुल पानी, है इसमें ना गाढ़ी थी ना पतली थी ये सब्ज़ी। आप ज़रूर इस तरह से बनाएंगे तो अच्छी बनेगी। अब साइडों में जब उबाल के बबल्स दिखाई देने लगे या ना भी आए तो भी इस तरह से आलू डाल दें आप, नहीं तो एक उबाल लगा लें इसके अंदर, क्योंकि फ्लेम तो ऑन ही है, एक साथ ही पकाना है इन सब चीज़ों को। अब दो तीन मिनट और पकाएंगे इसको, फिर ये बन जाएगी, तैयार हो जाएगी।
आलू पानी और क्या कहते हैं सारे मसाले इसके अंदर मिक्स हो जाएं आलू के साथ। तो इसे 2-1 मिनट पकाना है हमें। उबाल दे देने 2-3, और कुछ गाढ़ी भी हो जाएगी उबाल आने के बाद। जो पानी ऐड करा था हमने वो थोड़ा सा एब्जॉर्ब भी हो जाएगा सब्ज़ी के साथ। रेसिपी कैसी लगी ये कमेंट करके ज़रूर बताना, और मेरी वीडियो को लाइक शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। लास्ट में मैं कोरिएंडर की लीव्स कटी हुई और ग्रीन चिल्ली और गरम मसाला पिसा हुआ गरम मसाला ऐड करूँगी, और थोड़े से मैंने सूखा पुदीना डाला था इसके अंदर। और आप कसूरी मेथी ऐड करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, वो स्किप हो गई मेरे से, कसूरी मेथी नहीं थी मेरे पास, तो मैंने थोड़ा सा पुदीना ऐड किया था सूखा, वो भी ये चीज़ें डाली थी। अब मैंने इसको बंद कर दिया, इसको सर्व करते हैं, दिखाते हैं। देखो इसकी लुक, ये इतना गाढ़ा हुआ है, ठंडा होने के बाद ये और गाढ़ा हो जाएगा। और अगर आपको ज़्यादा पतला लगे तो आप प्लीज़ इसको पानी जो है कम कर लें थोड़ा सा, या थोड़ी देर और पका लें तो ठीक हो जाएगा बिल्कुल ये। लेकिन मेरी गाढ़ी हो गई थी बाद में भी ना, ये गाढ़ी हो गई थी बहुत, तो सही था पानी। ये इस तरह से है, ये मेरी प्रेजेंटेशन है। तो मेरी वीडियो को प्लीज़ बताना कैसी लगी आप लोगों को। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ध्यान रखें, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।